आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th की CBSE की बुक जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसकी आज मैं द थीफ से स्टोरी चैप्टर की सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप फर्स्ट पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देखें तभी आपको ये सेकेंड पार्ट का वीडियो समझ में आएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैं एक बार यदि मैं किसी शिक्षित व्यक्ति के जैसे लिखना अगर सीख गया तो क्या हो जाऊंगा, तो मैं बहुत वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, अर्थात मैं क्या क्या पा लूँगा वो आप एक एजुकेटेड इंसान के तरीक़ा से जो कहा नहीं जा सकता। अब इसी से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। नहीं, और ये क्या था कि अनिल के लिए काम करना बड़ा ही क्या था, बड़ा ही सुखद था, बहुत ही अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज। और मैं क्या करता था, मैं सुबह में चाय बनाता और फिर सामान खरीदने भी जाता था। जो सामान किसके लिए, तो जो डेली यूजेस वाले सामान थे उसको मैं खरीदने जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपये अ डे, और हर एक दिन 1 रुपया उसमें से बचा भी लिया करता था। और आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। और ऐसा लगता कि मेरे समझ से शायद वो समझता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन पर उसने थोड़ा भी इस पर माइंड नहीं दिया, थोड़ा भी उसे बुरा नहीं माना। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अनिल मेड मनी बाई फीट्स एंड स्टार्स। अनिल तो कंटिन्यूसली पैसा तो नहीं कमा पाता था, ही वुड बोरो वन वीक लेंड, यहाँ लेंड है लेंड द नेक्स्ट। अब क्या करता कि वह एक सप्ताह तो उधार लेता था, बोरो मतलब उधार लेना, और दूसरी सप्ताह उसे उधार चुका देता था, लेंड लेंड मतलब चुका देना उधार। ही कीप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह अपनी अगली चेक के लिए हमेशा क्या रहता था, परेशान रहता था, वरिंग। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जैसे ही वह उसका जैसे ही उसका अपना चेक आता और वो घर से बाहर निकलता, ही वुड गो आउट, वो घर से बाहर चला जाता था और जाकर खूब मस्ती करता, सेलिब्रेट करता, खूब जश्न मनाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अक्वायर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि वह क्या लिखता, तो मैगजीन्स लिखता और उसी से पैसा वो कमाता था, जो कि वो एक उसके कमाने का इस प्रकार के रहने का एक उसका विचित्र तरीका था, एक अजीब तरीका था। यहाँ जो क्वेर वर्ड देख रहे हैं, क्वेर मतलब अजीब या विचित्र होता है, इस प्रकार के जीवन जीने का तरीका उसका बड़ा ही विचित्र था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अब क्या हुआ, एक शाम वह किसके साथ घर पे आया, वो छोटी सी जो एक बंडल ऑफ नोट्स बोले तो छोटी सी गड्डी पैसों वाली घर लेकर वो आया, और उसने ऐसा कहा कि उसकी अभी अभी ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, अभी जस्ट जस्ट अभी उसने एक पब्लिशर ने उसकी बुक को क्या कर ली है, खरीद ली है, अर्थात तो उसने उसे बेच डाला है। एट नाइट, और क्या हुआ, रात में आई सॉ हिम चक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसे क्या देखा कि वह अपने पैसे को कहाँ रखा, अपने कहाँ, तो गड्डी को अपने गद्दे के नीचे रखे रखता हुआ मैंने देखा। और उसने क्या, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मतलब गद्दा होता है, नहीं वो अपने गद्दे के नीचे उसे पैसे को रख दिया। आई सॉ हिम टक द मनी। नहीं, अब क्या हुआ, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। और मैं अनिल के लिए लगभग कितना दिनों से काम कर रहा था, तो लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, और क्या करता था, सामान खरीदने में जो भी मैं हेरा फेरी करता था, चिटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और उसके अलावा मैंने और कोई भी छल
इसके अलावा नहीं किया, हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ, कोई भी इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क मैं नहीं करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और कहता है कि मगर चाहता तो मेरी पूरी की पूरी चोरी करने की, मैं जो मैं काम करता था इसलिए पूरे का पूरा अवसर मेरे पास था, चाहता तो मैं कर सकता था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, इतना ही नहीं अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी मुझे दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और जैसी मेरी इच्छा होती मैं उसे आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रकार का विश्वास करने वाला व्यक्ति आज से पहले मुझे कोई नहीं मिला, आज से पहले कोई नहीं मिला। यहाँ एवर का मतलब कभी नहीं का सेंस लगाता है, नहीं कभी नहीं मिला। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, यहाँ रॉब है, रॉब मतलब लूटना या चोरी करना या डाका डालना। और क्या हुआ, अब कहते हैं इसी कारण, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और उसे लूटना बहुत ज़्यादा ही कठिन हो गया था, उसे लूटना या उसे उसके पैसे को चोरी करना बड़ा ही कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, एफोर्ड मतलब सहन करना, रॉब मतलब चोरी, जो कि रॉब का वित्री फॉर्म है रॉब्ड, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। कहते हैं क्या कि किसी लोभी व्यक्ति को लूटना, इट इज़ इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, किसी लोभी, ग्रीडी मतलब लोभी लालची, किसी लालची मैन को लूटना बड़ा ही आसान है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है। ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, नहीं वो क्या कर सकता है, तो वो चोरी को उस डाका को सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, और पर यह किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना उससे भी कठिन काम है। समटाइम्स ही डजेंट एवर नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड, और क्या हुआ, कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता। समटाइम्स मतलब कभी कभी होता है, ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड, कभी कभी तो उसे ये भी पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा भी जा रहा है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसलिए चोरी करने का सारा मज़ा भी क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की केयरलेस मैन को चोरी करने से उसका कोई क्या होगा, बेचारे को पता भी नहीं चल पाएगा कि उसने किसी ने मेरी चोरी भी की है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा चलो ठीक है, अब ये समय आ गया था कि मुझे कुछ अब कुछ वास्तविक धंधा करने की, सम रियल वर्क डिड। और आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अरे मेरी तो मैं तो अब मेरी जो प्रैक्टिस है चोरी करने की, मैं तो उससे बाहर निकल गया, मेरी अभ्यास भी टूट चुकी है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं इसे पैसा नहीं लेता, इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर इससे मैं पैसा नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो क्या करेगा, तो ये सारा पैसा अपने दोस्त के ऊपर ये लुटा देगा, बेकार कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, क्योंकि अनिल तो मुझे कोई पेमेंट भी तो नहीं देता ना, यहाँ जो ही जो देख रहा है, यहाँ ही अनिल के लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे कहता है कि अनिल वॉज अस्लीप, अनिल क्या कर रहा था, अनिल सो रहा था, नींद में था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, अब क्या हो रहा था कि चंद्रमा की जो किरणें थी, अ बीम ऑफ मून लाइट, नहीं चंद्रमा की जो किरणें, वो चंद्रमा की किरण उसकी बालकनी को पार करके अनिल के बिस्तर पर आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं क्या हुआ, मैं उठकर बैठ गया, कहाँ तो फ्लोर पे, फर्श पे, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और उस सिचुएशन के बारे में मैंने क्या किया, विचार भी किया उस स्थिति के बारे में। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैं उस पैसे को चुरा लेता, इफ आई टुक द मनी, अगर मैं उस पैसे को ले लेता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, तो मैं 10:30 जो एक्सप्रेस है उसको मैं पकड़ सकता हूँ, जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसको मैं पकड़ सकता हूँ, जो एक्सप्रेस कहाँ जाती है, लखनऊ की ओर। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रिप्ट अप टू द बेड, और
मैं कंबल से बाहर आया, स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। मैं उससे बाहर निकला। आई क्रिप्ट अप टू द बेड और मैं पलंग के कहाँ गया, उसके नज़दीक गया। क्रिप्ट अप धीरे धीरे उसके समीप पहुँचना। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बिल्कुल आराम से शांतिपूर्ण रूप से सो रहा था। हीज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ, फेस वॉज क्लियर, बिल्कुल साफ था। और इतना ही नहीं, एंड अनलाइंड, उसके चेहरे पर ज़्यादा कोई अधिक निशान भी थे, अधिक निशान भी नहीं थे, अनलाइंड थे, कोई भी कसाबिक चोट अनलाइंड थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। लेकिन भी अगर मेरे अपने चेहरे पर देखा जाता तो आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो मेरे चेहरे पर अधिक से अधिक निशान थे। इसके अपेक्षा, अनिल के अपेक्षा, दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स। और यद्यपि ये जो पूरे के पूरे निशान जो आप देख रहे हैं, सारे के सारे निशान किसके थे, तो कहने के अधिक चोट लग जाने की वजह से थे। माई हैंड स्टील स्लीड अंडर द मैट्रेस। और मैंने क्या किया कि मैंने अपने हाथ को धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ मैट्रेस के समीप तक ले गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, किसके लिए, नोट्स की तलाश के लिए। वेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गया, देम किसके लिए, मनी के लिए आया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। मैंने उसे क्या किया कि मैंने उसे बड़ी आसानी से, बहुत धीरे धीरे, ताकि आवाज़ पता ना चल पाए, बगैर कोई साउंड हुए, मैं धीरे धीरे मैंने उसे खींचा नीचे पीछे की ओर। ड्र मतलब खींचना। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्नड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अब क्या हुआ, अनिल तो नींद में थे ही, और उसने साइड मतलब आहे भरना, वो थोड़े से साही आहे भरता हुआ नींद में ही, और टर्नड ऑन हिज साइड, और एक तरफ वो मुड़ा टुवर्ड्स मी, भी खास करके मेरे तरफ। आई वॉज स्टार्ट एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम। और मैं तो चौंक ही गया। स्टार्ट मतलब चौंक जाना, और पास्ट टेंस रूप में है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, वॉयस के रूप में। आई वॉज स्टार्ट, मैं तो चौंक ही गया था। एंड क्विकली क्राउड ऑफ द रूम, आउट ऑफ द रूम। और मैंने क्या किया कि मैं बड़ी तेज़ी से, क्विकली, मैं रूम से बाहर निकल गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। और जब मैं सड़क पर आया, आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगैन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। और क्या था कि वो है हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज। और मैंने अपनी जो नोट था, वो नोट के मैंने कहाँ बांधा था, मेरे पैजामा की जो स्ट्रिंग थी, धागा थी, वो स्ट्रिंग जो जिसको आप छोड़ी भी कहते हैं, नहीं तो स्ट्रिंग, उसमें मैंने उस पैसे को बांध दिया था। और उसे बांध कर मैं कहाँ लपेट लिया उसको, वेस्ट में। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 rupees and 50s। अब क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे, आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैं धीरे धीरे अब चलता था, एंड काउंटेड द नोट्स, और पैसे को मैं काउंट भी किया, तो मुझे पता चला कि 600 rupees and 50s है। 600 rupees कितने के नोट्स में है, 50 के रुपीस में है। आई कुड लीव लाइक एन आयल रीच आर ऑफ फॉर अ वीक और टू। और वे कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं तो अब एक दो सप्ताह बहुत ही धनी रूपों से रह सकता हूँ, जैसे कि कोई आयल रिच, कहाँ के रहने वाले, तो अरब में, जो जिस प्रकार आयल रिच के रूप जो अरब में रहते हैं, तो उसी प्रकार से मैं बिल्कुल धनी रूपों से मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। इसके बाद वाला जो पार्ट है, उसको मैं अब नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में डालूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।